हेलो, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल पॉलीमर हाइड्रो सॉल्यूशन सर्विसेज। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं पिन मोल्ड। पिन मोल्ड बेसिकली एक कॉम्पिटिटर फंगस है। ड्यूरिंग मशरूम कल्टीवेशन हमें बड़ी रेयर देखने को मिल जाती है। डिस्कस करते हैं, आइए, पिन मोल्ड। डिस्कस कर रहे हैं पिन मोल्ड, जो कि एक कॉम्पिटिटर फंगस है। ड्यूरिंग मशरूम कल्टिवेशन हमें ये देखने को मिलती है, बहुत कम रेयर है ये भी। इतना ज्यादा हमें इसका इन्फेक्शन नहीं देखने को मिलता, पर फिर भी है, कहीं ना कहीं हमें ये मिल जाती है। तो सबसे पहले राइजोबस जो फंगस है, ये पिन मोल्ड कॉज करती है। बहुत फास्ट ग्रोइंग है। पिन मोल्ड इसलिए कहते हैं, अगर आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, छोटे 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 ऐसे थ्रेड लाइक ऊपर ऐसे स्पोर्स बन रहे होते हैं पैचेस में, क्लियर, एक स्पोर्स बन रहे होते हैं, ठीक है। वंस एक बार स्पोरुलेट हो जाए, एरियल हाइफे पे ब्लैक हेड पिंस बना देती है। जैसे ये एरियल हाइफा, ये हाइफा है, यहाँ पे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये हाइफा है, हाइफे के ऊपर ब्लैक पिन बन रहे हैं, क्लियर। और ये कहाँ ग्रो करती है, जहाँ पे कार्बोहाइड्रेट सोर्स बहुत ज्यादा है। राइजोपस को हम ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं। आपने अगर फंगस पड़ी हुई है तो राइजोपस को आप ब्रेड रख लोगे, ब्रेड के ऊपर बहुत फास्ट जो सबसे पहले ग्रो करती है वो राइजोपस ही ग्रो करती है, आपको वहां देखने को मिल जाएगी। इसे हम ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं, पिन मोल्ड भी बोलते हैं, जहां पे कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज, सुक्रोज या कैलो सेलुलोज वगैरह मिल जाता है, वहां पे ये बहुत फास्ट ग्रो करती है। इसके साथ साथ एस्परजिलस और पेनिसिलियम की कुछ जीनस भी हमें प्राइमरी कंटेमिनेंट की तरह मिलते हैं। और सबसे ज्यादा ये हमें मिलते हैं कहाँ पे, जो आपका स्पॉन है, स्पॉन में ये कंटेमिनेशन हमें मिल जाती है। स्पॉन में जब ये कंटेमिनेट कर जाता है, आम आप अगर कहीं स्पॉन में थोड़ी सी भी कंटेमिनेशन होगी, क्यों, क्योंकि वहां पे ग्लूकोज प्रेजेंट है, स्टार्च प्रेजेंट है, वहां पे ये कंटेमिनेशन हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। वहां से ये ट्रांसफर हो जाती है ड्यूरिंग स्पॉनिंग हमारे कंपोस्ट में, और कंपोस्ट में भी इसका थोड़े से ही पैच मिलते हैं, क्योंकि कंपोस्ट में इतनी भी ग्लूकोज अवेलेबल नहीं रहती। तो स्पॉन यहाँ पे हमें ग्रेन स्पॉन, ग्रेन में हमें ये मिल जाती है। उसके बाद ये स्ट्रॉ पे ग्रो करती है राइजोपस पिन मोल्ड। स्पोर इसके बड़े कॉमन है, जहां पे कार्बन टू नाइट्रेशन रेशियो ज्यादा है वहां पे ये हमें देखने को मिलती है। कल्चर प्रैक्टिस क्या है, प्रॉपर स्टरलाइजेशन। स्पॉन की मैं एक बात बताना चाहूंगा, हाउ जो स्पॉन है, हमें कम से कम, अगर आपका मान लो 1 तारीख को 7 तारीख को स्पॉनिंग है, तो आप उसे 4-5 दिन पहले यानी कि 2 या 3 तारीख को अपना स्पॉन ला के रख लेंगे, ताकि उसमें अगर कोई इन्फेक्शन होगी तो वो अपीयर हो जाएगी। उसको आप कोल्ड स्टोरेज में रख दीजिए, कोल्ड स्टोरेज में अगर इन्फेक्शन हो जाएगी तो अपीयर हो जाएगी। अदरवाइज अगर आप इंस्टेंट ला के यूज करेंगे तो जो ऑलरेडी उससे माइसीलियम ग्रो है वो आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे, तो वो आपकी इन्फेक्शन वहां पे कंपोस्ट में जाके अपीयर होगी। याद रखिए, जो भी स्पॉन कंटेमिनेटेड स्पॉन है उसको आप मत यूज कीजिए, कंटेमिनेटेड स्पॉन आपको कभी भी यूज नहीं करना। सो ये एक कल्चर प्रैक्टिस है। लोकलाइज्ड एरिया को केमिकली आप 2% फॉर्मुलिन से सैनिटाइज करते हैं, सिर्फ लोकलाइज्ड एरिया को। मान लीजिए यहाँ पे एक स्पॉट है आपका पिन हेड का, आप सिर्फ इसी एरिया को फॉर्मुलिन से स्टरलाइज कर सकते हैं। मुझे क्वायरी आती है कि कैसे हम लोकलाइज्ड एरिया को कैसे स्टरलाइज करेंगे। आप सिंपल कोई भी चीज, या जैसे मग्गा होता है, मग्गा ले लीजिए, मग्गा लेके यहाँ पे मान लीजिए मैंने स्प्रे की, उसके ऊपर मग्गा रख दिया थोड़ी देर के लिए, क्लियर, तो वो लोकलाइज्ड एरिया ही आपका स्टरलाइज हो जाएगा, बाकी माइसीलियम को कम इफेक्ट करेगा, हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा तो करेगा आसपास, बट वो इन्फेक्शन आपकी खत्म हो जाएगी। सो दिस इज हाउ वी कैन लोकलाइज द स्टरलाइजेशन। सो वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे, लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए और शेयर करना मत भूलिए, ताकि ये कंटेंट दूसरे लोगों तक भी पहुंचे। धन्यवाद।